अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबसे पहले जी मौसम एंजॉय करें। बहुत गर्मी थी, कितने दिनों से हम लोग आए हुए हैं सरगोधा, और अभी मौसम बहुत प्यारा, और बच्चे हमें फोर्स कर रहे हैं, बल्कि शाम से ही जब से बादल बच्चों ने देखे हैं कि हमें कहीं ले चलें। हाय गाइस, शाम हो गई है। हाय गाइस, देविया क्या कर रही है? देविया भी कह रही है कि मुझे पार्क जाना है। हमारी सवारी, हमने कहा इस मौसम में हमने सवारी रक्षा की लेनी है। और ये देखे बच्चे सलार रमदान, उदैबिया किधर है? रमदान जी, उदैबिया किधर है? सलार किधर है? डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये है जी सरगोधा में एक प्लेस मॉडल मार्ट, इसको कहते हैं मॉडल मार्ट। और ये इसकी जो मज़े की बात है वो नाइट को ये ओपन होता है 7:30-8 बजे के करीब, और रात गए तक फिर 12 बजे तक ये चलते ही रहता है। और मैंने भी इसके बारे में सुना था काफ़ी लोगों से कि इसमें शॉपिंग भी आप कर सकते हैं अंदर, और बच्चों के लिए भी इंटरटेनमेंट है, फूड कोर्ट भी बना हुआ है। तो कितने टाइम से मैं भी प्लान कर रही थी कि मैं इसका विज़िट करूं। तो यहाँ देखें, कोविड से रिलेटेड भी जब हम एंटर हुए तो वो चेक कर रहे थे टेम्परेचर, सिक्योरिटी का भी लेडीज़ चेक कर रही थी। और यहाँ ये बच्चों का, इन्होंने किड सिटी, ये देखें ये बच्चों का एरिया है, और काफ़ी गैदरिंग थी क्योंकि गर्मी कितने दिनों से थी, और गर्मी के बाद अब मौसम बेहतर हुआ है, तो काफ़ी गैदरिंग थी। और इंशाल्लाह मैं आपको भी अंदर से भी इसका विज़िट करवाऊँगी और दिखाऊँगी कि हमने अंदर क्या क्या किया है। सारे कितने वाले डेंजर वाले, ये भी मुझे इसमें भी डर लगता है। किस पे? नहीं मैं तो नहीं बैठूंगी। ओह माय गॉड, मामा जी टिकट्स ले ले वरना फिर वो दूसरों की बारी आ जाएगी। इतने गंदा देखो कुछ। देखिए जी हमारे बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, उनका दिल है कि झूले पे बैठे। और ये काउंटर बना हुआ है टोकन के लिए, टिकट के लिए, जहाँ से आपने टोकन टिकट टाइप लेना है। इतने भी अंदर राइड्स हैं उन पे बैठने के लिए आपने पहले यहाँ से चार्जेस आप देख सकते हैं 1500 का, मोस्टली 50 वाले ही थे। तो यहाँ से आपने टिकट लेनी है तो फिर आपने वो उनको शो करनी है, तो उसके बाद वो आपको राइड्स लेने देते हैं। लाइटिंग कितनी अच्छी है।
ये टिकट्स हैं, दिखाओ। यूएफओ इसका नाम, मामा हो गया, यूएफओ। अच्छा 50, अच्छा इसकी, इस वाले की। एंट्रेंस किस साइड पे है आपने? एंट्रेंस किस साइड से होना बच्चे? इतने एक्साइटेड है ना कि हम जल्दी जल्दी राइड्स पे जाएं, लेकिन बस उनका एक सिस्टम था कि जब और बच्चे भी आ जाते हैं तो सारी उनकी सीट फुल हो जाती हैं, तो उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे अपने अपनी सीट पे बस बैठ गए, और लोग भी फिर आ गए तो तभी वो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, बच्चों ने डाइट स्टार्ट कर दी है। इतनी चीखों की आवाजें भी आ रही हैं, कई मेरी तरह के जो बैठे हुए हैं वो चीख ही रहे हैं। तो सलार और सुफियान का फेस वो जरा फास्ट चल रहा है ना, तो आइडिया नहीं हो रहा। उनकी तो स्माइल ही आ रही है, वो नहीं डरते। सलार को बड़ा क्रेज है ये झूलों पे बैठने का, मुझे तो बड़ी ही डर लगता है। अच्छी जगह है, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट भी है, बड़ों के लिए भी है, और काफ़ी आप देख सकते हैं गैदरिंग भी काफ़ी है। और मौसम आज अच्छा था, और फिर रात में मौसम वैसे भी बेहतर हो जाता है, तो अच्छी जगह है, ठीक है। लेकिन ये है कि कोविड में मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि यहाँ जितना रश है ना, तो कोविड में तो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस नहीं है। यहाँ आपको डिफरेंट आइसक्रीम के और दूसरे स्टॉल भी नज़र आएंगे, और ये देखें जी बच्चों के डिफरेंट टाइप के, जो बच्चे की जिस तरह एज है, जो बच्चा जिस पे बैठना पसंद करता है, तो डिफरेंट टाइप के ये राइड्स आपको यहाँ नज़र आएंगे जी। और साथ ही हल्की हल्की रेन स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी सारे एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी इधर से उधर नहीं हुआ कि फील ही नहीं हुआ कि रेन स्टार्ट हुई है। छोटे बड़े बच्चे सारे मज़े ले रहे थे। बच्चे राइड्स लेने गए हैं, और मैंने कहा कि मैं ज़रा इसका विज़िट कर लूं, और ये इन्होंने दरमियान में बाउंड्री फेंस टाइप लगाई हुई है, और इसके बैक साइड पे फूड कोर्ट टाइप बना हुआ है, और वहाँ डिफरेंट किस्म के बारबेक्यू और बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, जो आप भूख को और ज़्यादा वो ओवर करती हैं। और उसके बाद जी बच्चों ने मुझे भी फोर्स किया कि मामा आज आप भी कोई ईजी सा राइड ले लें। मुझे ट्रेन ही नज़र आई, मैंने कहा चलो ट्रेन में ही मैं बैठती हूँ, और उदैबिया भी डर रही है। तो फिर ये ट्रेन के लिए उन्होंने एक स्टेयर सी लगाई हुई है, इसके ऊपर फिर एक ब्रिज बनाया हुआ है, जिस पे जाके आपने खड़े होना है, वेट करना है जब ट्रेन राउंड लगा के आती है, क्योंकि लोगों का रश होता है तो लोग पहले ये क्यू बना लेते हैं, और फिर वन बाय वन एक फैमिली के छोटे छोटे कैबन टाइप हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ जाते हैं। तो हम भी ऐसे ही लाइन में लगे, और हमने कहा कि चले हम भी ऊपर जाके वेट करते हैं, लेकिन मुझे डर काफ़ी लग रहा था, मैं फील नहीं करवा रही थी, लेकिन अंदर से मेरा भी काम हुआ पड़ा है। तो यहाँ हम ट्रेन के लिए भी इस स्टेयर से ऊपर जाएंगे, और यहाँ आने का वेट करेंगे। ट्रेन टू राउंड लगाती है बस, तो उसके वो ट्रेन दूर से नज़र आ रही है कि ट्रेन आ रही है, तो यहाँ से हम ट्रेन में बैठेंगे। टिकट
बेचते हम बर्बाद हैं बर्बाद वही हुआ कि बस हम थोड़ा पीछे होके खड़े हुए थे, जो और फैमिली आई वो जल्दी जल्दी बैठ गई, हमें फिर मुनासिब नहीं लगा, हमने कहा चले ये हमारे बच्चे राउंड लगा के आए तो नेक्स्ट राउंड हम लगा लेंगे। ये ब्रिज बना हुआ है और इसके ऊपर हमने खड़े होकर वेट करना होता है, वो जो ट्रेन आ रही होती है ये आप इस साइड पे हो जाओ, डेंजर है इस साइड पे, सेफ्टी का कोई इतना वो नहीं है, देखे ये बिल्कुल नीचे इधर चला ना करे अगर कोई गिर जाए तो, सेफ्टी बड़ी कम है। वो तो गए हुए हैं जी एक राउंड उनका तो लगा के, वो आ भी गए हैं मेरा ख्याल है, ये आ भी गए हैं, मैं आ रही हूँ, ये आ गए हैं जी, ये जा रहे हैं जी, मेरा ख्याल है एक ही राउंड देते हैं, नहीं चले गए आगे। 50 रुपीज़ है, कितना टिकट था इसका, इसका टिकट भी 50 था, 50 अच्छा जी जी। जब सलार लोग बैठे तो हमारे लिए जगह ही नहीं बची, तो हमने कहा चले हम नेक्स्ट राउंड में बैठ लेंगे, तो अब आ गई है तो हम बैठेंगे अब इस राउंड में, चलें जी। फतेहबिया हेयर, चलो इस पर बैठो जी, फतेहबिया अंदर चली जाओ, फतेहबिया बैठो 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 आराम से बैठो। ये जी अब हमारी दूसरी शिफ्ट लगने लगी है, हाँ जी किस पे जाना है, ये वाला डेंजर पे, कौन सा नेक्स्ट वाला, ओ माय गॉड बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुझे डर लग रहा है, इधर देखिए ना भाई, उधर भी मैं देख सकती आगे पीछे कहीं भी, डर तो नहीं लग रहा आपको, लाइट बड़ी कम है, हाँ यहाँ इस साइड पे लाइट ज्यादा आती है इधर, अच्छा मैं तो ना इधर देख रही हूँ ना उधर देख रही हूँ, सीधा वीडियो बना रही हूँ बस, बड़े अच्छे के बाद मैं किसी झूले पे बैठी हूँ, बड़ी डर लगता है मुझे तो, बच्चों की हिम्मत है कैसे कर लेते हैं, अच्छा ये फूड कॉर्नर है इस साइड पे, मौसम अच्छा है शुक्र है, गर्मी नहीं है, गर्मी में नहीं मजा आना था। उधर भी उधर भी आपको डर तो नहीं लग रहा, यहाँ आके लाइट कम हो जाती है इस साइड पे, उस साइड पे लाइट अच्छी है, यानी ये 2 राउंड देते हैं 50 रुपीज में, बच्चों के लिए अच्छी इंटरटेनमेंट है। इस जगह का नाम है जी मॉडर्न मार्ट, ये रात को 7 बजे 7:30 बजे स्टार्ट होता है, एंट्री टिकट कोई नहीं है, अंदर फिर जो झूले जो कुछ भी है तो उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ता है। ओके लेटर नॉट नाउ, इसका व्यू देखें, शॉपिंग एरिया वो है इसका, अभी हम उधर भी जाएंगे, ये इस साइड का व्यू, डर लगता है सीधी सी बात है झूलों से, ये हमारी टीम है सारी, ये सारे हमारे ही है ना, अपने गिन ले अब बच्चा पार्टी सारे, हल्ले गुल्ले, अच्छा ये किसका नाम है, इसका भी 50 है, 50 ये वाला अलग उल्ला है, अच्छा जाओ बंद हो गया, चल जाओ ना, वो उधर से एंट्री है, किधर से है सुफियान, किस साइड से है एंट्री, उस साइड से जाओ भाई, क्या सलार को बड़ा क्रेज है झूलों का, इसे तो डर भी नहीं लगता, मुझे तो डर ही बड़ा लगता है, मैं नहीं मैं
खानदान को मेरी तरह डर लगता है, वो भी सीधे सीधे जो सिंपल सिंपल राइड्स हैं बस उसको वही दे सलार तो एडवेंचर्स टाइप है जी। इसका दिल करता है कि मैं जितने डेंजर हूँ मुझे देख के डर लगता है। तो खानदान भी ऐसे ही है, उसने भी जो बिल्कुल सिंपल थे ना उन पे राइड ली है। ये छोटे बच्चों के लिए ये है ना, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं डक और ये चलाने लगे। सिर्फ वही नहीं बैठे हुए, नहीं एक और है वो गर्ल्स। जी कब नहीं बैठना था उस पर, कब नहीं बैठ सकते वो ज़्यादा हार्ड है कब नहीं, मुझे पता नहीं है आपका, वो देखते हैं अगर कोई और। अच्छा वो अप और डाउन भी होता है। यहाँ से एंट्री है इसकी, ये जो बच्चों के झूलों वाला है एरिया है ना। मेरी आवाज़ आपको कम आ रही होगी, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर आते हैं और इधर दूसरा एरिया है वो, ये आगे आ जाता है शाही कुल्फी। मस्जिद भी बनी हुई है इसके अंदर, सुपर स्टाइलो शूज और छोटे छोटे स्टार शॉपिंग के। मोबाइल सुपर स्टाइल शूज चेक कर रहा हूँ। इससे स्टार्ट करते हैं शूज शॉप, ये जी आप शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। द बेडिंग हब बेडशीट्स इस साइड पे, इधर आओ वो शर्ट्स लेडीज इस साइड पे हैं, कुर्तियां नजर आई हैं मुझे। फिर हम मेरे पास फोन है, रब्ता कर लेंगे। ऑन स्टिच है इस साइड पे, बर्तन यहाँ से चेक करें वो जरा। ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर वाले शूज, ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी सॉरी क्रॉकरी स्टोर।
खुला खुला है ये अंडरस्टैंड नहीं यार शूज बैग क्यों देखें जी रिंग्स कलेक्शन एक ज्वेलरी शॉप में मैं एंटर हुई हूँ और यहाँ से मैंने कहा देखिए कि एक घर कैसे मुझे अच्छा लगा है ये वाला ना रवि अच्छा नहीं है ट्राई करो अच्छा लगा लेडीज डिपार्टमेंट है जी ये दो पसंद आए हैं कैसे दो रुपये मैंने कहा कुछ तो ले ना और रिंग्स काफ़ी छोटी बड़ी हैं और भी अच्छी कलेक्शन है ये भी अच्छी लग रही है शॉप काफ़ी बड़ी लग रही है बर्तनों वाली मैंगो चॉकलेट छोटी मोटी वनीला ऐसा लगे रमदान कह रहे मैंने कौन लेनी है फिर दबिया को ले लीजिए टेस्ट भी कर लो रहना तो कुल्फी एंजॉय कर रहा है टेस्टी है फरहान अच्छा फरहान ने कौन आइसक्रीम ली है सलाम ने दूसरा अल फारूक चमन सलाम अरे भैया आपने क्या लिया देखो आपने लेनी है मजे के नहीं मैंने लेनी दान है जरा ये सलार ये You don't want salad? You don't want to eat? Take for the beer also one. दिखाओ कितनी मजे की है शक्ल से तो अच्छी लग रही है इधर देखो काफी टाइम हो गया है और हम मेन एंट्रेंस के पास आ गए हैं हमने कहा यहाँ खड़े होते हैं और सबसे अभी कांटेक्ट करते हैं सालार सुफियान देखिए मैन एंट्रेंस के पास आ जाएं तो बस अभी हम वापसी की तरफ जाते हैं और हमने कहा चलिए पिक्चर बना लेते हैं यहाँ अभी हमारा पिक्चर सेशन जो है वो स्टार्ट होना बाकी है बच्चों की पिक्चर्स बनाएंगे
और काफ़ी इन्जॉय किया है। अच्छी जगह है और इसके बारे में अगर आप मेरे से ओवरऑल पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि अच्छी एंटरटेनमेंट है। रात या रात को जैसे अभी गर्मियाँ हैं और दिन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो ये है कि रात को मौसम भी नॉर्मल हो जाता है तो बच्चों के लिए काफ़ी है, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। अगर आप शॉपिंग के हवाले से पूछेंगे तो मुझे कोई इतनी खास चीज़ पसंद नहीं आई कि आप कहें कि बड़े ही कोई आउटस्टैंडिंग था। सो नॉर्मल था तो ठीक ही है कि आप इंजॉय कर सकते हैं। ये मॉडल मार्ट का हमारा विजिट, हमने काफ़ी इंजॉय किया फैमिली के साथ, आपको पता है फिर भी और ज़्यादा इंजॉय हो जाता है। और वहाँ से हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे फ़ूड की क्वालिटी या वो जो सिस्टम था वो इतना सेटिस्फाइड नहीं लगा। तो वापसी पे बच्चों ने कहा कि KFC चलते हैं, तो KFC पे हम आए। आजकल KFC में भी ये प्रॉब्लम है कि वो इंडोर बिल्कुल ही उनका वो सिस्टम नहीं है, या टेक अवे या आउटडोर वो बैठने देते हैं। और आउटडोर में लाइटिंग इतनी गंदी है, आंखों पे इतनी पड़ रही है, मैंने उन्हें कहा है कि लाइट ऑफ करें, लेकिन वो कहते हैं हमारी सारी लाइट का सिस्टम एक से अटैच है। तो आप देख रहे हैं कि सब के फेस ब्लू और शेडेड टाइप लाइट है और मौसम अभी नॉर्मल है, हवा रुक गई है लेकिन फिर भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ हम अभी KFC का इंतज़ार कर रहे हैं कि KFC आए खाए और फिर हम घर की तरफ वो चलते हैं। तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय कर लिया। सफ़र स्टार्ट, बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया मॉडल मार्ट में भी, बच्चों के साथ खाने में भी, दिन भी अच्छा था, मौसम ने भी साथ दिया, तो बड़ा मज़ा आया। और फिर साथ रक्षे की सवारी, क्या ही बात है। मुझे जब मैं छोटी थी तो मुझे टांगे की सवारी अच्छी लगती थी और अब रक्षे की सवारी, ना गाड़ियों में मज़ा, और हाँ मुझे बाइक पर भी अच्छा लगता है, बाइक रक्षा अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ना गाड़ी में मज़ा ना और किसी आप बड़ी से बड़ी गाड़ी में बिठा लें, लेकिन जो मज़ा मुझे हमारी आम सवारी में आता है वो किसी और सवारी में मुझे नहीं आता। हम घर के करीब हैं और अभी मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।